नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। मध्य प्रदेश विश्व अध्यक्ष की 7 दिवसीय साइकिल यात्रा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से देश को उबारा। उनके 20 वर्षों के सुशासन को समर्पित है साइकिल यात्रा। महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा आज। होशंगाबाद से जयपुर आई 12 क्विंटल वजनी प्रतिमा नर्मदा कॉलेज के पास होगी स्थापित। सीहोर विधायक अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर हुए नाराज, बोले लोग आपको भगवान मानते हैं इसलिए वैसा ही काम करें। कृषि मंत्री के गढ़ में किसान करेंगे प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी से मृत किसानों की अस्थियां पहुंची ग्वालियर। चंबल में 4 दिन अस्थि कलश लेकर निकालेंगे यात्रा। उपचुनाव में सिंधिया का अनोखा अंदाज। बुरहानपुर में आदिवासी कलाकारों के साथ झूमे केंद्रीय मंत्री। मंत्री तुलसी सिलावट भी खटके। भोपाल में 24 घंटे में 4 नए कोरोना केस। अक्टूबर माह में प्रदेश में 157 पॉजिटिव में भोपाल में 79, शहर में अभी 28 एक्टिव मरीज। एमएजी यूनिवर्सिटी ने नए बैच के लिए 6ठा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर आयोजन। कोरोना का नया वेरिएंट A/4 इंदौर के 7 मरीजों के सैंपल में पुष्टि। एक्सपर्ट की चेतावनी, पुराने वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक। हनुमान मंदिर पर चढ़ने व काला कपड़ा लगाने का प्रयास, विरोध में हिंदू संगठनों ने 2 घंटे की नारेबाजी। बॉलीवुड में ड्रग्स के सवाल पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी बोले, किसी भी क्षेत्र के बारे में जनरल मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।